जूनियर एनटीआर की देवारा का क्यों बढ़ा गया रन टाइम? अब इतने मिनट लंबी होगी फिल्म? जूनियर एनटीआर ने आरआरआर फिल्म में धमाल मचाया था, अब वो अपनी नई फिल्म देवरा लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में वो एक बार फिर से एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। जाह्नवी कपूर भी इस फिल्म में उनके साथ हैं। ये जोड़ी पर्दे पर कैसी लगेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिल्म में एक्शन के साथ साथ कहानी भी बहुत दमदार होने वाली है। जूनियर एनटीआर की ये नई फिल्म असल में आंध्र प्रदेश में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। कितना मजा आएगा जब हम पर्दे पर देखेंगे कि ये कहानी कैसे दिखाई गई है। अब तो एक और बड़ी खबर आई है, मेकर्स ने फिल्म की लंबाई तय कर ली है। ये फिल्म 3 घंटे 10 मिनट लंबी होगी। इतनी लंबी फिल्म होने के बावजूद हम बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जूनियर एनटीआर और जाह्नवी कपूर जैसे स्टार्स हैं और कहानी भी बहुत दमदार है। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए फिल्म बिल्कुल तैयार है। विदेशों में भी लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए इसे आईमैक्स में भी रिलीज किया जाएगा। कई शो तो पहले से ही बुक हो चुके हैं, यानी लोग पहले से ही टिकट ले रहे हैं। फिल्म 27 सितंबर को रिलीज होगी, अब बस ट्रेलर का इंतजार है। खबरें हैं कि 10 सितंबर को ट्रेलर रिलीज हो सकता है। देवरा में बॉलीवुड से दो बड़े सितारे भी हैं। जाह्नवी कपूर इस फिल्म से साउथ में डेब्यू कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज है सैफ अली खान, वो इस फिल्म में विलन का किरदार निभा रहे हैं। जाह्नवी और सैफ की जोड़ी पर्दे पर कैसी लगेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इनके अलावा भी फिल्म में कई और बड़े कलाकार हैं, जैसे श्रुति मराठे, प्रकाश राज, शाइन टॉम चाको और मुरली शर्मा। ऐसे ही मूवी न्यूज से अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब जरूर करें।